हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि इजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम एंटोमोलॉजी का फंडामेंटल डिस्कस करेंगे, अर्थात आज के इस लेक्चर में हम इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वल्नरेबल टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही जो फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी जो ये कोर्स टाइटल है, ये बीएससी जी सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत बच्चे पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन जो भी इंपॉर्टेंट वल्नरेबल टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द वर्ड एंटोमोलॉजी डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। जो एंटोमोलॉजी जो टर्म है आपका, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है और ग्रीक वर्ड के दो शब्द हैं आपका एंटमोन और लोगस। एंटमोन का मतलब होता है इंसेक्ट एंड लोगस मीन्स स्टडी या डिस्कस या नॉलेज। तो साथियों जो है एंटोमोलॉजी जो है आपका ग्रीक वर्ड के दो शब्दों एंटमोन और लोगस से लिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, इंसेक्ट बॉडी वॉल। जो इंसेक्ट का जो बॉडी वॉल होता है साथियों, इज डिवाइडेड इनटू थ्री सेगमेंट। ये तीन सेगमेंट में डिवाइडेड होता है, तीन भागों में बटा हुआ होता है। सबसे बाहर की तरफ होता है क्यूटिकल, उसके बाद इपिडर्मिस होता है और सबसे नीचे की तरफ होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो क्यूटिकल, इपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये तीन जो है सेगमेंट होते हैं या तीन पार्ट होते हैं बॉडी वॉल के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, द कास्टिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल इज नोन एज। जो पुराना जो क्यूटिकल होता है, यानी जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है इंसेक्ट के बॉडी की, बॉडी वॉल की, तो उसको निकालना, उसको बाहर करना, उसको कास्टिंग करना, कास्टिंग ऑफ करना, उसे कहते हैं मोल्टिंग। उसे मोल्टिंग के नाम से जानते हैं, यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो है जो इंसेक्ट होता है वो अपनी आउटर लेयर या क्यूटिकल को जो है रिमूव करता है या कास्टिंग ऑफ करता है, उसे हम मोल्टिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मोल्टिंग हैज टू प्रोसेस। जो मोल्टिंग है इसमें दो प्रोसेस होती हैं, दो प्रक्रम होते हैं। ये दो तरीके से होता है, एपोलाइसिस और एक्डाइसिस। ये एपोलाइसिस और एक्डाइसिस, ये दो 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 कह सकते हैं प्रोसेस के द्वारा जो है, एपोलाइसिस और एक्डाइसिस के द्वारा जो है मोल्टिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड प्रोटीन। जो क्यूटिकल है ये काइटिन और प्रोटीन का बना होता है। क्यूटिकल में जो काइटिन की मात्रा है वो 25 से लेकर के 60% तक पाई जाती है और जो प्रोटीन की मात्रा है वो 25 से लेकर के 40% के समथिंग पाई जाती है। तो काइटिन और प्रोटीन से बना हुआ होता है क्यूटिकल, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, जो क्यूटिकल इज फर्दर डिवाइडेड इंटू इपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। जो क्यूटिकल है इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल। इपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल, इसे आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो बुक्स में जो है एक जो इंडो और आपका जो मीजो क्यूटिकल, इस तरीके से भी इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, काइटिन इज नाइट्रोजनस पॉलीसेक्राइड। जो काइटिन, अभी हमने बताया था जो क्यूटिकल है वो काइटिन और प्रोटीन का बना है। तो जो काइटिन क्या है, तो काइटिन साथियों ये नाइट्रोजनस पॉलीसेक्राइड है, अर्थात ये जो है आपका पॉलीसेक्राइड मीन्स आपका कार्बोहाइड्रेट्स है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो काइटिन एक प्रकार का नाइट्रोजनस पॉलीसेक्राइड है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ इपिडर्मिस इज टू सिक्रेट क्यूटिकल। जो इपिडर्मिस है, यानी जो आपका जो बॉडी वॉल होता है, बॉडी वॉल का जो सेकेंड सेगमेंट है जिसे आप इपिडर्मिस कहते हैं, इसका जो काम होता है, ये साथियों जो है क्यूटिकल को सिक्रेट करने का काम करती है। जो क्यूटिकल आपका सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, उसका जो सिक्रेशन करने का काम होता है वो इपिडर्मिस का होता है। तो द मेन फंक्शन ऑफ इपिडर्मिस इज टू सिक्रेट क्यूटिकल, आउटर मोस्ट लेयर को सिक्रेट करता है, अर्थात उसको उत्सर्जित करता है, अर्थात उसका निर्माण किसके द्वारा होता है। तो साथियों जो उसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है इपिडर्मिस, इपिडर्मिस ही सिक्रेट करती है, उसको उत्सर्जित करती है, स्रावित करती है, अर्थात उसका सिक्रेशन जो है आपका क्यूटिकल का सिक्रेशन जो है इपिडर्मिस के द्वारा ही होता है। यही इसका मेन फंक्शन है। इपिडर्मिस का जो मेन फंक्शन है वो है आपका सिक्रेशन ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल को सिक्रेट करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, द इमैच्योर स्टेज ऑफ बग वाइट फ्लाई एफिड जैसिड। ये जो है आपका ऑर्डर हेमिप्टेरा के अंतर्गत पाए जाते हैं, वाइट फ्लाई हो चाहे एफिड हो जैसिड हो। एंड इमैच्योर स्टेज ऑफ ग्रास हॉपर लॉकस्ट, ये आपका अर्थोप्टेरा के अंतर्गत है। तो इनकी जो इमैच्योर स्टेज होती है साथियों, उसे हम निम्फ के नाम से जानते हैं, अर्थात निम्फ जो है, और साथ साथ आइसोप्टेरा को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आइसोप्टेरा, हेमिप्टेरा और आपका जो अर्थोप्टेरा, ये जो आपके ऑर्डर हैं, इंसेक्ट ऑर्डर हैं, इनमें जो इमैच्योर स्टेज होती है उसे हम निम्फ के नाम से जानते हैं, उसे हम निम्फ कहते हैं। उसकी जो इमैच्योर स्टेज होती है उसमें निम्फ कहते हैं। और यहाँ पर जो है कुछ इंसेक्ट के एग्जाम्पल भी दिए गए हैं,
कि जो हेमिप्टेरा है इसमें कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं, जैसे वाइट फ्लाई हो गया, बग हो गया, एफिड हो गया, जेसिड हो गया, ये हेमिप्टेरा के अंतर्गत आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट हैं। और आपका जो है ऑर्थोप्टेरा में जो है आपका जैसे ग्रासहॉपर या लोकस्ट जो है ये इंपॉर्टेंट कुछ इंसेक्ट पेस्ट हैं, तो आप इनको आप याद रख सकते हैं, इससे आपको आसानी होगी चीज़ों को समझने में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या है? तो साथियों जो कैटरपिलर जो है ये लेप्टोप्टेरा जो ऑर्डर है, इस लेप्टोप्टेरा ऑर्डर में जो इनकी इमेच्योर स्टेज होती है, जो इनकी अपरिपक्व अवस्था होती है, उसे हम कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। अर्थात इनकी जो लार्वा स्टेज होती है उसे कैटरपिलर कहा जाता है। तो द लार्वा ऑफ बटरफ्लाइज, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बटरफ्लाई का जो लार्वा है उसे भी कैटरपिलर कहा जाता है। मॉथ जो होते हैं इनका इनका जो लार्वा स्टेज होता है उसे कैटरपिलर कहते हैं। बॉलवॉर्म के लार्वल स्टेज को कैटरपिलर कहा जाता है। जो बोरर्स होते हैं उनके उनके लार्वल स्टेज को जो है कैटरपिलर कहते हैं। जो लूपर्स होते हैं इनकी भी जो लार्वा स्टेज होती है उसे हम कैटरपिलर कहते हैं। सेमी लूपर्स जो होते हैं इनकी जो लार्वा स्टेज होती है इसे भी कैटरपिलर कहते हैं। और ये सब सारे एग्जांपल जो है आपका लेप्टोप्टेरा जो ऑर्डर है उसके अंतर्गत के जो एग्जांपल्स हैं। इनकी जो जो लेप्टोप्टेरा है इसकी जो लार्वल स्टेज होती है उसे कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला है ग्रब्स। तो ग्रब्स क्या है? तो साथियों ये जो ग्रब्स जो टर्म है आपका ये लार्वल स्टेज है आपका कोलियोप्टेरा और कुछ हेमिप्टेरा के। तो कोलियोप्टेरा में जैसे आपका बीटल और वीवल्स आते हैं स्पेशली, तो बीटल्स और वीवल्स की जो लार्वल स्टेज होती है उसे ग्रब्स के नाम से जानते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि जो ऑर्डर हेमिप्टेरा है, हेमिप्टेरा में जैसे आपकी जो बीज आती हैं जैसे हनी बीज या वाइस पर जैसे आप बर्रे कहते हैं या ब्रैकनॉइड्स ब्रैकोनिड्स, ये जो है आपका कुछ एग्जाम्पल हैं हेमिप्टेरा के। तो इनकी भी जो लार्वल स्टेज होती है उसे ग्रब्स के नाम से जाना है। तो कोलियोप्टेरा और हेमिप्टेरा इनकी जो लार्वल स्टेज होती है उसे ग्रब्स कहते हैं। लेप्टोप्टेरा की लार्वल स्टेज को कैटरपिलर कहते हैं। निम्फ जो है इमेच्योर स्टेज होती है किसकी? तो ऑर्थोप्टेरा, आइसोप्टेरा और आपका हेमिप्टेरा, ये जो है इन सब ऑर्डर्स के जो है जो इमेच्योर स्टेज होती है उसे निम्फ कहते हैं। एक और बचा हुआ है, नेक्स्ट अगला देखते हैं, तो वो है मैगेट। मैगेट क्या है? तो साथियों ये इमेच्योर स्टेज होती है या लार्वल स्टेज होती है किसकी? हाउस फ्लाई की, सूट फ्लाई की या मेजस की जो है, जो मेजस होते हैं ये ऑर्डर डिप्टेरा के अंतर्गत आते हैं। और ये लेगलेस होते हैं अर्थात इनमें टांगे नहीं होती हैं, लेगलेस स्टेज होती है, इनको हम मैगेट्स के नाम से जानते हैं। तो मैगेट्स क्या है? मैगेट्स जो है आपका लार्वा है किसकी? हाउस फ्लाई के, सूट फ्लाई के, मिजेस के, ये सब ऑर्डर हेमिप्टे सॉरी ये ऑर्डर डिप्टेरा में आते हैं। और ये जो भी हमने जो बातें की मैगेट्स की, मैगेट्स जो होते हैं लेगलेस होते हैं अर्थात इनमें टांगे नहीं होती हैं, ये जो लार्वल स्टेज में होते हैं तो उसमें लेग्स नहीं पाती है, लेगलेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंगल पेयर ऑफ एंटीना इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ इंसेक्ट। जो इंसेक्ट होते हैं उनमें जो एंटीना की ज़्यादातर जो है एक ही पेयर होती है अर्थात एक ही जोड़ी पाई जाती है, अर्थात दो एंटीनी पाए जाते हैं ज़्यादातर मोस्ट ऑफ इंसेक्ट में। मोस्ट ऑफ इंसेक्ट में जो एंटीनी होती है एंटीनी की एक ही पेयर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है एंटीनी इज कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। जो एक एंटीनी होती है वो उस तीन पार्ट से बनी होती है। तो पहला है स्केप, स्केप ये है बेसल पार्ट होता है इसका एंटीनी का, उसके बाद पेडिसल और फ्लैजिला। स्केप, पेडिसल और फ्लैजिला ये जो है आपके तीन पार्ट्स होते हैं एंटीनी के, इन तीनों पार्ट से बना हुआ होता है। नेक्स्ट अगला है मेजर फंक्शन ऑफ एंटीनी आर एक्ट्स एज। जो एंटीनी का जो मेन फंक्शन है वो क्या है साथियों? तो कई सारे इसके फंक्शंस होते हैं, जैसा कि ये ऑर्गन ऑफ स्मेल के नाम से जाना जाता है इसे। ये जो है स्मेल करने का काम करता है एंटीनी, टेस्ट करने का भी काम करता है, और कभी कभी कुछ इंसेक्ट में जो है ये हेयरिंग का काम करता है, सुनने का भी काम करता है। तो सूंघने का काम, स्वाद का काम, टेस्ट का काम, और कुछ कुछ इंसेक्ट में हेयरिंग का काम होता है। जैसे इसमें दिया गया है जो मेल मॉस्किटो है जो नर मच्छर होता है उसमें जो है इंसेक्ट जो है कि जो एंटीनी होती है वो उसका काम जो है हेयरिंग के रूप में करता है, सुनने में उपयोग करता है। एंड सम प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, और किसी किसी इंसेक्ट में जो है ये साउंड को प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन के रूप में काम करता है, जैसे कि मोल क्रिकेट हो गया। ठीक है, मोल क्रिकेट में ये जो एंटीनी है ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन का काम करता है, और ये जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो होता है एंटीनी के जो है आपका सेकंड सेगमेंट में होता है अर्थात पेडिसल वाले पार्ट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ अब एंटीनी के एग्जांपल्स दिए गए हैं, उनके टाइप्स और एग्जांपल्स। तो जो सीटीसीएस टाइप का जो एंटीनी होता है ये कॉकरोच और लीफ हॉपर्स में देखने को मिलता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटीसीएस टाइप का जो एंटीनी है ये कॉकरोच और लीफ हॉपर्स में देखने को मिलता है। फिलीफॉर्म जो है आपका जो एंटीनी का टाइप है ये ग्रास हॉपर में देखने को मिलता है, और मोनलीफॉर्म जो है ये टर्माइट्स में देखने को मिलता है, और बाईपेक्टिनेट ये सिल्क वार्म का जो मॉथ होता है उसमें देखने को मिलता है। सिल्क वार्म मॉथ में बाईपेक्टिनेट टाइप का जो है एंटीनी देखने को मिलता है। कैपिटेट जो है ये खपरा बीटल में
जेनिकुलेट ये बीज में या एंट्स में या विविल्स में, बीज एंट्स और विविल्स में जो जो एंटनी का टाइप होता है वो जेनिकुलेट होता है। एरिस्टेट होता है हाउस फ्लाई में, हाउस फ्लाई का जो एंटनी का जो टाइप होता है वो एरिस्टेट होता है। और क्लेवेट होता है आपका बटरफ्लाइज में और ब्लिस्टर बीटल में। साथियों ये थे कुछ एंटनी के टाइप्स, इसको आप 2 से 3 बार जरूर पढ़ लीजिएगा, इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स। अब माउथ पार्ट्स की बात कर लेते हैं, तो पहला टाइप है बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स, काटने और चबाने वाले जो माउथ पार्ट्स होते हैं, खासकर आर्थोप्टेरा में, आइसोप्टेरा में और कोलियोप्टेरा में जो ये ऑर्डर हैं इसमें आपको देखने को मिलेगा बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें ग्रासहॉपर्स हो गया, लॉकस्ट हो गया, क्रिकेट हो गया, टर्माइट्स हो गया, बीटल एंड स्लाइटली मॉडिफाइड इन लार्वल लेप्टोप्टेरा। और ये जो है आपका जो लेप्टोप्टेरा के जो लार्वा होते हैं उसमें भी बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स को देखा जाता है। ये जो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ पार्ट्स है इसमें लेब्रम होता है, लेब्रम से अपर लिप कहा जाता है, मैंडिबल होता है साथियों, ये एक जोड़ी होता है मैंडिबल, मैग्जिली पाई जाता है और लेबियम होता है, लेबियम को हम लोअर लिप्स कहते हैं। तो लेब्रम को अपर लिप और लेबियम को लोअर लिप के नाम से जानते हैं। हाइपोफेरिंग्स जो होता है ये टंग लाइक होता है, जैसे जीभ होती है उसका काम करता है हाइपोफेरिंग्स। एपीफेरिंग्स जो होता है ये इस पर टेस्ट बड पाए जाते हैं, जो एपीफेरिंग्स है इस पर टेस्ट बड पाए जाते हैं, अर्थात स्वादिकलिकाएँ इसमें लोकेटेड होती हैं। अगला क्वेश्चन देखें, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का जो माउथ पार्ट्स होता है साथियों, ये जो है आपका इस प्रकार के माउथ पार्ट्स में पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप में, इसमें जो है 2 प्रकार के माउथ पार्ट्स होते हैं, एक बग टाइप का माउथ पार्ट्स होता है और दूसरा आपका जो है इसमें मॉस्किटो टाइप का होता है। तो पहले देखते हैं बग टाइप का माउथ पार्ट्स क्या है। पियर्सिंग और सकिंग टाइप्स में 2 टाइप के माउथ पार्ट्स हैं, एक बग टाइप का, बग टाइप का स्पेशली सॉरी जो बग टाइप का माउथ पार्ट्स है ये स्पेशली जो आपका हेमिप्टेरा में देखने को मिलता है। दे सक द सेल्स है फ्रॉम प्लांट्स, ये बग टाइप वाले जो होते हैं ये पौधों के जो रस होते हैं उसको चूसने का काम करते हैं। इसमें 4 स्टाइलेट्स होती है, 2 मैग्जिली होती है, 2 मैंडिबल्स होते हैं। और इसके एग्जांपल्स देखें तो बग्स हैं, एफिड्स है, जेसिड है, या वाइट फ्लाई है, या लीफ ऑफर्स है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा सा खांसी आ गई थी। तो बग टाइप में जो है आपका, बग टाइप जो होते हैं इस टाइप के जो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स में पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, वो पौधों से रसों को चूसने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट के जो सैफ होते हैं उसको सक करने का काम करते हैं। इनके माउथ पार्ट्स में 4 स्टाइलेट्स होती हैं, 2 मैग्जिली होती हैं, 2 मैंडिबल्स होते हैं, ये मेन इनके माउथ पार्ट्स हैं। और इसका एग्जांपल की बात करें तो बग्स होते हैं, एफिड्स या जेसिड या वाइट फ्लाई या लीफ ऑपर्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं पियर्सिंग एंड सेकिंग टाइप्स का बग टाइप में। दूसरा है आपका मॉस्किटो टाइप यानी आपका, अब मॉस्किटो नाम ही इसके क्लियर है कि ये मच्छर में देखने को मिलता है स्पेशली। तो ये क्या करते हैं, सक ब्लड फ्रॉम एनिमल्स, जंतुओं से जो है ब्लड को सक करने का काम करते हैं। इसमें जो है 6 स्टाइलेट्स होती हैं और एडिशनल 2 और लेब्रम, 2 जो है आपका इसमें जो है लेब्रम देखने को मिलते हैं, एपीफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स होती है। एग्जांपल की बात करें तो मॉस्किटो एंड फ्लीस, पिस्सू और जो है जो मच्छर जो होते हैं, मच्छर और पिस्सू में इस प्रकार के जो है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का जो मॉस्किटो टाइप है इस टाइप के जो है माउथ पार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इस साथ ही ये था एक छोटा सा कहते हैं शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने 26 इंपॉर्टेंट वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ये BSc सेकेंड सेमेस्टर का जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंटोमोलॉजी या कह सकते हैं फंडामेंटल ऑफ इंटोमोलॉजी का जो है लेक्चर नंबर 1 था। 1 बाय 1 हम सारे लेक्चर्स आपको जो है निश्चित अंतरालों पर लेकर आते रहेंगे। तो बस आज के इस लेक्चर में इतना ही, जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय।